करनाल के सब्जी मंडी चौक पर पुलिस चौकी के सामने खड़ी एक लड़की से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार मोबाइल छीनकर फरार हो गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और हेलमेट लगाए हुए थे, तो उनका फोन छीनकर फरार हो गए, जिसकी उन्होंने पुलिस चौकी के अधिकारियों को जानकारी दी, परंतु अभी तक उन्होंने इसका कोई हल नहीं निकाला। सरेआम पुलिस चौकी के पास हुई इस वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं लड़की के परिजनों ने बताया कि वह कुछ सामान लेने के लिए बाजार की तरफ गए थे, तो यहां पर खड़ी उनकी लड़की के साथ यह वारदात हो गई। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अचानक से यह वारदात हुई है, जिसके आधार पर दोषियों की खोजबीन प्रारंभ कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि सरेआम पुलिस चौकी के समीप हुई इस वारदात से आम जन सुरक्षित नहीं है और पुलिस अब क्या कार्यवाही करती है। मास्क वगैरह डाला हुआ था सर, पीछे वाले से मास्क डाल रखा था और आगे वाले हेलमेट पहन रखा था। नंबर था गाड़ी का? सर गाड़ी का नंबर है 2221। तो पुलिस चौकी के सामने की घटना है? बिल्कुल, सीसीटीवी के सामने मैं खड़ी थी, तो ये यहाँ से साइड की तरफ चले गए। तो आपने कभी सोचा था कि पुलिस चौकी के सामने से इस तरह से झपट मार होती? नहीं सर, मैं डेली निकलती हूँ यहाँ से, और काफी मतलब मुझे पता है कि यहाँ बहुत ही पुलिस होती है, तो इस चक्कर में बहुत ही बेफिक्र से निकलती हूँ। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सर मैं मुगल कनाल से आ रही थी। मुगल कनाल से आ रहे थे और घर जा रहे थे अपने? हाँ जी, मैं घर। कौन सा फोन था आपका? सर मेरा रियलमी C1 था। तो करनाल के जो SP हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उससे कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं इससे उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि जो ये सब वारदातें हो रही है सर, तो इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। महंगा फोन था आपका? हाँ जी सर, फोन की बात सर, डाटा जो होता है सर उसकी चिंता है कि डाटा रिकवर नहीं होता सर। और आप तो लड़की है, कुछ फोटोज वगैरह सब कुछ होता है? सर सब कुछ होता है, डाटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे फोन में सेव होते हैं, तो उसमें मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल है, तो मैं कोमल है। आपके साथ कौन था? आप अकेले हैं? आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें करनाल के सब्जी मंडी चौक की। आपको बता दें कि अभी अभी कुछ देर पहले ही एक वारदात हुई है, एक लड़की का मोबाइल छीन कर दो युवक जो कि बाइक पर थे, उनका इस गुड़िया का मोबाइल छीन कर भाग गए हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस तरह से CM City में वारदात होती जा रही है, दिन प्रतिदिन वारदात हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से। आप देख सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करनाल के। मेरी बेटी है। क्या घटना बताई आप? मैं सामने खड़ी थी, खड़े होने के बाद में वहाँ से सामने जी। कितनी दूर है पुलिस चौकी? कितनी सामने है जी, 10 मीटर के लिए है। 10 कदम के लिए है। फोन छीन के भाग गए? फोन छीन के भाग गए। नंबर वगैरह कुछ पता लग पाया आपको? नहीं, अभी कोई नंबर। पुलिस शिकायत दी आपने? सुनते हैं कि उसका फुटेज में जब ये कैमरे चालू हैं, गवर्नमेंट ने कैमरे लगवाया है, तो उसका फुटेज में जरूर आया होगा। अंदर आपने शिकायत दी किसी को? इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं क्या? बैठे कुछ कह रहे हैं आपको आश्वासन? उन्होंने कहा कि भाई आप 12 सेक्टर चले जाओ, वहाँ से फुटेज मिल जाएगी। शिकायत वगैरह दी आपकी कुछ? नहीं, अभी तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी है। बाकी हमारे को फुटेज देंगे क्या? सही दे सकते हैं क्या? CCTV फुटेज? हाँ, वो तो पुलिस में आप शिकायत देंगे, ये सिटी थाने का एरिया पड़ता है, सिटी थाने जाना पड़ेगा पहले आपको, तभी वो फुटेज जाना संभव हो सकता है। आपको बोल रहे हैं कि खुद जाके देख लो भाई, आप ले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं? किससे मिले आप? ये पीछे बैठे अधिकारी। तो एक बार आप देख सकते हैं पुलिस चौकी जो कि सब्जी मंडी चौक पर पुलिस पोस्ट बनाया गया, उसके सामने ही किस तरह से दो युवक एक लड़की का फोन खोजकर भाग गए। आप देख सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाई गई है, ट्रैफिक पुलिस बूथ बनाया गया है, आपको बता दें कि किस तरह जो बूथ के अंदर इंस्पेक्टर साहब बैठे, उन्होंने कहा कि खुद जाकर 12 सेक्टर में CCTV कैमरे देखे जाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करनाल से सब्जी मंडी चौक से। के सामने जो ये धमकी है, इसके पास में मोबाइल छीन कर ले गए। मैंने तुरंत उसका नाम नंबर पूछकर बेटी दबाई है, और जिसने अपनी जिप्सी भी साथ में भेजी है, जो कि जिप्सी राउंड मार पाई है, अभी लोगों को अवेयर किया है कि भाई अपने है ना परस जो भी स्मृति सामान है उसके संभाल कर रखें, और आप अपनी सुरक्षा में ही सबकी सुरक्षा है, तो उसके लिए मैंने मीटिंग करवा है, और यहाँ अपना सिटी थाने में भी इनकम कर दी है, इसके लिए हमने कार्रवाई की। सर जिस तरह से चौकी के सामने से मैं ये नहीं कह सकते, बहुत तो है, लेकिन ये
ये लड़की कुछ खिलाफ दिया और कुछ लड़की कैसे मेरे साथ आई, तो मैंने उसी टाइम पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को अपने शिकर का दिखाते हुए उनके पीछे मैंने जिप्सी लेकर भेजा साथ में, और आपसे ही इसका नाम एड्रेस देखे और उसकी बीमारी दवाई है जो भी हमारी पुलिस द्वारा कार्रवाई करी। तो आपने उनको बोला होगा सेक्टर 12 चली जाएगी फुटेज लेकर? हाँ, मैं था भाई आप जैसे CCTV की फुटेज है उसमें एक तो जो मोटरसाइकिल वाला है उसका हुलिया पता लग गया, उसका नंबर पता लग गया, क्योंकि इसमें नंबर सही कंफर्म नहीं है, तो उसे फुटेज लेने के लिए मैंने इसलिए उसको किया था भाई आप वहाँ जाकर आपको बहुत मदद मिली। सर आपको नहीं लगता कि आपकी भी फुटेज एक मिनट में लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे त्योहारों का सीजन? लोगों से मैं यही अपील करूँगा भाई जो भी अपना कीमती सामान लेकर आए आजकल बाजारों में जो आपको बताइए नशे भी घूमते हैं तो अपने सामान को संभाल कर रखें, अगर कोई वारदात हो सके तुरंत तभी वहाँ पर चौकी के सामने से ही अगर फोन छीन करके ले गए हैं तो आपकी बेटी यहाँ पे बैठ रही है, आप यहाँ आ जाओ। ऑफिस से जा रहे थे रोजाना की तरह है जी? ऑफिस से घर जा रहे थे? ऑफिस से घर जा रहे थे, सामने खंभा है जहाँ लाइट लगी हुई है, यहाँ पे बेटियाँ खड़ी हुई थी, तो इनके ऑफिस के सज्जनपुर जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ जाओ मैं आपसे चाबी लेना आ रहा हूँ, जैसे आप खड़े हो एकदम फोन छीन के ले जाए कोई तो ऐसे वारदात हुई। तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं, यदि गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो कैमरे चले होंगे उसमें फुटेज आई होगी जरूर। तो पुलिस से भी आपने बात की होगी, कुछ आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा या कैमरे खंगाले जा रहे हैं? उन्होंने तो ये बोला था कि भाई आप 12 सेक्टर चले हमारे फुटेज निकलवा लो जो है, मुझे तो नहीं लगता कि हमें 12 सेक्टर में जाकर डायरेक्ट ऐसे फुटेज दे देंगे या निकाल देंगे फुटेज इस समय। तो अभी ये टाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव से करनाल के सब्जी मंडी चौक की। आपको बता दें कि अभी अभी एक वारदात हुई है, एक लड़की के साथ वारदात हुई है, किस तरह से दो युवक आते हैं और उस लड़की से मोबाइल खोज कर भाग जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और सभी वारदात उस ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.